हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो दोस्तों मेरे एक्सीडेंट के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, मेरा 26 नवंबर 2022 को एक्सीडेंट हो गया था और दोस्तों मेरे पैर पर बहुत बुरे तरीके से चोट लगा था। दोस्तों चलिए आज आप लोगों को मेरे एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बताता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरे को कैसे और कितना चोट लगा है और किस तरीके से मेरा ऑपरेशन हुआ है और क्या क्या मेरे को परेशानी हो रहा है दैनिक जीवन में, सब कुछ आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताऊँगा। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना पैर दिखा देता हूँ कि अभी मेरा पैर किस हालत में है और कैसे चोट लगा था, कितना लगा था, सब कुछ आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये रहा मेरा पैर, आप लोग देख सकते हैं, ऐसे पट्टी लगा हुआ है दोस्तों, ड्रेसिंग हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पैर देखिए दोस्तों, चोट की वजह से इधर काफ़ी पतला दिख रहा है दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों काफ़ी पतला हो चुका है मेरा पैर चोट की वजह से। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कहाँ पर मेरे को चोट लगा है। तो उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, मेरे को तो दाहिने पैर में चोट लगा है, तो दोस्तों आप लोगों को बाएं पैर में आप लोगों को बता देता हूँ मैं उदाहरण के लिए। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर ये जो हड्डी होता है दोस्तों, जो अंगूठे के साइड जाता है, अंगूठे को जोड़ता है, शायद मेटाकार्पल्स बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जोड़ पे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो मोटा हड्डी होता है दोस्तों, ये पूरा चकनाचूर हो गया है, ये वाला जो हड्डी है। और ये वाला उंगली देखिए दोस्तों, इस वाले उंगली का दोस्तों यहाँ पर टूटा हुआ है। तो दोस्तों ये तो आसानी से जुड़ जाएगा, लेकिन ये जो चकनाचूर हो गया है, इसका कई टुकड़ा हो गया, लगभग 20-25 टुकड़ा हो गया था हड्डी का। नीचे के साइड से चोट लगा था दोस्तों, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों कैसे कट लगा था, आप लोगों को बता दूँ। यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ऐसे गया था पूरा, आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ये दोस्तों ऐसे पूरा कट चुका था दोस्तों, और पूरा मांसपेशी और हड्डी सहित कट कर यह ऊपर के साइड आ गया था दोस्तों, जैसे खाल झूल रहा था मेरा दोस्तों, पैर का जो मांसपेशी है, चमड़ा दोस्तों झूलने लगा था, बहुत ही ज़्यादा खून आने लगा दोस्तों कुछ देरी में। एक्सीडेंट के समय में जब देखा तो दोस्तों तुरंत तो खून नहीं आ रहा था, पूरा सफ़ेद दिख रहा था अंदर में, पूरा वाइट वाइट दिख रहा था अंदर में, लेकिन धीरे से दोस्तों उसमें खून आने लगा। और हाँ तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो दोस्तों मैं अपने घर आ रहा था दोस्तों अंबिकापुर से, जो छत्तीसगढ़ का फेमस शहर है दोस्तों, तो वहाँ से मैं अपने घर जसपुर आ रहा था दोस्तों। हाईवे में था दोस्तों, क्या ही बताएं, मैं दोस्तों अपने साइड में था और एक ट्रक भी आ रहा था दोस्तों, वो अंबिकापुर साइड जा रहा था और मैं अपने घर साइड आ रहा था। तो दोस्तों हम लोग दोनों तो साइड में थे दोस्तों, ट्रक वाला भी और मैं भी, लेकिन दोस्तों जैसे ही ट्रक मेरे पास पहुंचा, वैसे ही ट्रक को ओवरटेक करने के लिए एक शराबी व्यक्ति इतना स्पीड में बाइक लेकर आया सामने, इतना स्पीड था कि दोस्तों क्या ही बताएं, मैं गाड़ी को मोड़ ही नहीं पाया, हल्का सा थोड़ा सा मोड़ा दोस्तों, तो यही मेरे राइट साइड पैर में लगा दोस्तों चोट। बाइक से बाइक का एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों, मैं अकेले था और वो जो दूसरे बाइक में था दोस्तों, वो लोग दो लोग थे, दोनों शराब पिए हुए थे, क्या ही बताएं, शराबी लोग से बचकर चलिएगा दोस्तों। और कोट की वजह से दोस्तों और दस्ताने की वजह से हाथ में दोस्तों बहुत कम चोट आया। देखिए दोस्तों मेरा हाथ यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा निशान दिख रहा होगा, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा गड्ढा हो गया था, जो कि दोस्तों बहुत ही जल्दी भर गया, लगभग 15 दिन में। शाम को लगभग 4:15 बजे एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों, लगभग मैं 9-10 बजे तक रात को दोस्तों मैं अंबिकापुर रेफर होकर हॉस्पिटल में पहुंच चुका था, और पैर को जिस कपड़े से लपेटा था दोस्तों, वह पूरा खून खून हो चुका था, पूरा ब्लड ब्लड, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगले दिन मेरे को दोस्तों तरीके से अच्छे से दोस्तों एनेस्थीसिया देकर मेरा ऑपरेशन किया गया दोस्तों। पैर को सबसे पहले अच्छे से धोया गया, उसके बाद दोस्तों ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन दोस्तों ऐसा हो रहा था दोस्तों, क्या ही बताऊं, मेरा पैर इतना बुरी तरीके से डैमेज था दोस्तों, क्या ही बताऊं, मैं अपने पैर को ही नहीं देख पा रहा था। वो ऑपरेशन हुआ, मेरा जो चेहरा था उसको ढक दिए थे वो लोग ऑपरेशन करते टाइम, ताकि बेचारा देख कर ना डरे। उसके बाद दोस्तों ऑपरेशन हुआ, उसके बाद दोस्तों पट्टी उट्टी कर दिए दोस्तों, 5 रोड लगा है। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे दोस्तों रोड लगा है पैर में, और आप लोगों को एक्सरे भी दिखाता हूँ। हाँ तो देखिए दोस्तों, मेरा पैर कैसे नीचे के साइड से फट चुका था, और दोस्तों बहुत ही गहरा चोट लगा है दोस्तों, हड्डी तक भी टूट गया था और फट कर पूरा दोस्तों नीचे का साइड झूल गया था। तो अभी देखिए दोस्तों, पैर में ऊपर के साइड दोस्तों घाव भरने के लिए टांका लगा है, और अंदर में दोस्तों हड्डी जोड़ने के लिए रोड लगा है, आप लोग ऊपर में देख सकते हैं।
हाँ तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं अपने पैर का एक्सरे दिखा देता हूँ। एक्सरे से आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा चोट लगा था मुझे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो मोटा वाला हड्डी है पूरा चकनाचूर हो चुका है, और उसके बगल वाला पतला हड्डी दोस्तों टूटा है, आप लोग देख सकते हैं। और इस वाले एक्सरे में भी आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। ऑपरेशन के बाद का एक्सरे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से मेरा पैर टूटा है, इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। 5 रोड लगाया गया है दोस्तों, ताकि पैर हिले नहीं ज़्यादा इधर उधर। हाँ तो दोस्तों, यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे थे तो दोस्तों आपको दिल से धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस दुख की घड़ी में मेरे साथ रहने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को मैं दिखा देना चाहूँगा मेरा बाइक का क्या हालत हुआ था दोस्तों, और सामने वाले शराबी व्यक्ति का भी बाइक बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था दोस्तों, आप लोग स्क्रीन में देख लीजिए। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग दुआ करिएगा। आज नया साल है दोस्तों, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों आप लोग सभी लोगों को। तो दोस्तों आप लोग बस एक ही दुआ कर दीजिएगा दोस्तों कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। 1 महीना हो गया है दोस्तों ऑपरेशन कराए हुए, अभी तक तो घाव भी ठीक से नहीं सूखा है। तो दोस्तों आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।